पीएसआई धुमार, इनको एक गुप्त बातमी की ओर से एक बातें मिली थी, एक खबर मिली थी कि एक ईसम एक गाँव के कट्टा लेके आने वाला है। वो खबर मिलने के बाद हमारे सीनियर प्रयास के किला और एसोसिएशन के इन्होंने दो टीम फॉर्म करके बातमीदार के प्रेस हम लोगों ने आयोजित किया और एक ट्रैप में एनएमटी बैस टैंक के बाजू में ये आरोपी हमको मिला। उसके पास से एक गांधी पिस्तौल बरामद किया है। उसके बाद उसकी कस्टडी लेने के बाद घटनास्थल हुए और दो गांधी पिस्तौल हम लोगों ने बरामद किए हैं और एक पल्सर गाड़ी जैसे उसके पास से बरामद की है। और उसका तपस करते हुए ये भी सामने आया है कि इसके पहले भी ये आरोपी ने तीन गुने किया है। एक 307 का गुना उसके ऊपर दाखिल है, 326 का है और 2018 में एक देसी कट्टे के साथ उसके ऊपर 325 के साथ एक्स्ट्राजिलेंट 325 के साथ भी गुना दाखिल है। सर पढ़ा लिखा आरोपी है या अनपढ़ कैसा है? ये 10वीं तक पढ़ा है। सर ये हथियार लाता कहाँ से था और बेचता किसको था, इसके बारे में कोई जानकारी मिली क्या सर? उसके बारे में तपास हमारा चालू है, लेकिन मध्य प्रदेश की उधर से अखबार आते हैं तो सामने आया है और लेकिन तपास हम सर इसके साथ और क्राइम में और भी कोई लोग इन्वॉल्व हैं या ये अकेला है? सर आपको माहिती का हाँ किती रुपयाला विकायचा? 20 ते 25 हजार पर्यंत कट्टे मध्य प्रदेश मध्ये मिळतात। एक बांधणी म्हणून जिल्हा आहे त्या ठिकाणी असे